सोनीपत के देपालपुर फलडा पर डेड बॉडी मिलने का मामला सामने आया है। तो एक शव मिला है रेत की खान के नजदीक। शव मिला गांव मुकिमपुर के प्रवीण के तौर पर मृतक की पहचान की गई है। राजपुर के अड्डे पर प्रवीण का ढाबा था और अब शव बरामद किया गया है। मामले में जांच पड़ताल जारी। एक बारात के साथ युवक गाजियाबाद पहुंचा था। शुरुआती जानकारी ये है कि सिर पर हमला कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, तो पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पहचान हो चुकी है प्रवीण के तौर पर, जो कि जिसका ढाबा था, जिसका शव बरामद किया गया है। शुरुआती जानकारी ये कि गाजियाबाद एक बारात के साथ पहुंचा था। सोनीपत में शव बरामद हुआ है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस हत्या का मामला मानकर इसे चल रही है और सिर पर वार कर हत्या को अंजाम दिया गया, ये शुरुआती तौर पर कहा जा रहा है। तो मामले में जांच पड़ताल जारी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, परिजनों को जानकारी दी गई है। ये बड़ी खबर सोनीपत से आपको बताएं। तो गांव मुकिमपुर के रहने वाले प्रवीण के तौर पर मृतक की पहचान हुई है। लाजपत हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है। लाजपत, शव बरामद हुआ है, अभी तक क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ अपडेट पुलिस या जांच के लिहाज से? दिन है, लेकिन आज एक युवा जो जिसके सर में चोट के निशान थे, जो मुकिमपुर गांव का बताया गया है, जिसकी अभी डेड बॉडी मिली है। पुलिस की टीम गठित कर दी गई है, सबको सिविल हॉस्पिटल भेज दिया गया है। अभी जो हर पहलू पर जाने का प्रयास है, लेकिन आज इस परिवार पर दुख की घड़ी है, क्योंकि जो परिवार की बात करें तो सिर्फ एक यही व्यक्ति था जो घर को चलाता था, जो कमा कर खिलाता था। विडो जो इसकी माँ है और दो इसको बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आज ये घर पूर्ण तरीके से बिखर चुका है। ये एक अपना ढाबा चलाता था, जिसकी सर पर चोट मारने से हत्या का मामला सामने आया है। और लगातार आपको बता दें कि जो ये शादी में गया था और सुबह इसकी डेड बॉडी मिली है। जी चलो, बहुत शुक्रिया लाजपति, पूरी जानकारी आपने दी। तो एक बारात में ये युवक प्रवीण गया था, सुबह इसका शव बरामद किया गया है। परिवार में जाहिर है मातम है, साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही। हत्या का ही मामला माना जा रहा है, सिर पर वार कर हत्या को अंजाम दिया गया।